नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको कहानियां बहुत सुनाई हैं, मैंने जीवन की हर मोटिवेशनल कहानी, हर इंस्पिरेशन कहानी, हर धार्मिक कहानी को बड़े चाव और अच्छे से सुनाया है और मैं आपका ऋणी हूं कि आपने उन्हें सुना है। लेकिन आज मैं आपको व्यवहारिक जीवन की ऐसी दो बातें बता देना चाहता हूं जो आपके सबके काम की है, आपके परिवार के काम की है, आपके बच्चों के काम की है। दोस्तों जो दूसरों का दुख दूर करे वही सच्चा देश प्रेमी है, वही सच्चा इंसान है। और आज के समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस काम को बखूबी कर रहे हैं, उसमें से दो नाम मैंने चयनित किए हैं। हालांकि सिर्फ दो व्यक्ति नहीं है, और भी व्यक्ति हैं, लेकिन दो व्यक्तियों के बारे में मैंने जाना है और वो व्यक्ति हैं डॉक्टर B.R.C. विश्वरूप राय चौधरी और दूसरे बाबा रामदेव। हालांकि लोग इनके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, गलत बातें भी करते हैं, लेकिन जरा सोचिए ये लोग अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, लोगों के उत्थान के लिए कर रहे हैं, लोगों की बीमारी दूर करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कर्ज हम लोग जीते जी नहीं उतार सकते। मुझे मेडिकल की कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मुझे योग की नॉलेज है, लेकिन मैंने इन लोगों को करीब से पढ़ा है, जाना है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी लोगों का इलाज प्राकृतिक तरह से करते हैं। उनको YouTube पर डालकर सर्च कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। जो उनकी DIP डाइट है, जो उनका प्लान है, उसको अपने और अपने परिवार के जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, वो भी बिना पैसे के। उनकी बात सहज है और सटीक है, आपके हित की है, आपके काम की है। हालांकि लोग उनको धमकियां दे रहे हैं, लोग उस पर मुकदमे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सच के मार्ग पर डटे हुए हैं। किसके लिए? हमारे लिए। हम उनका कर्ज कभी 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 नहीं उतार पाएंगे। और ऐसे देव तुल्य लोगों को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि YouTube पर, Google पर उन्हें सर्च करके उन्हें फॉलो कीजिए। आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है। बाबा रामदेव के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि योग को दोबारा खड़ा करना, आयुर्वेद को पुनः स्थापित करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो बाबा रामदेव ने किया है। ऐसे लोग दुनिया में कभी कभी आते हैं, ऐसे लोग जो जन कल्याण को ही अपना जीवन समझते हैं, जो अपने आप को लोगों के लिए समर्पित कर देते हैं, जो लोगों के हित के बारे में ही अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ दो लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन सब महानुभावों को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। मेरी नॉलेज में अगर कोई और भी लोग आएंगे जिनको मैं पढ़ूंगा और मेरा दिल कहेगा कि यही व्यक्ति सच्चा देशभक्त है, सच्चे मन से लोगों की सेवा कर रहा है, तो मैं आपको जरूर उसका नाम रिकमेंड करूंगा। लेकिन अभी मैंने सिर्फ दो लोगों के बारे में पढ़ा है, मैंने उन दो लोगों के बारे में आपको बता दिया है, डॉक्टर B.R.C. और बाबा रामदेव। उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। ये आपके लिए हैं, आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसके लिए ये समाज, ये दुनिया कभी उनका कर्ज नहीं उतार पाएगी। बात छोटी मत समझना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ऐसे लोग दुनिया में कम हैं जो आपके लिए जीते हैं, वरना आजकल की दुनिया में तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, लोग एक दूसरे को धोखा देने में लगे रहते हैं और दे रहे हैं। ये लोग हम लोगों को बचा रहे हैं, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं हम लोगों के लिए कर रहे हैं। सिर्फ हमें ये करना है कि उन्हें YouTube पर ढूंढकर उनकी अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाना है, उनके संदेश को, उनके मिशन को समझना है और जन जन तक पहुंचाना है। उसमें लोगों का भला है, उसमें डॉक्टर B.R.C. का या बाबा रामदेव का कोई भला नहीं है। भला है तो हमारा है, हमारे लिए वो लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमें उनका साथ देना चाहिए। और मैं और मेरे सारे दोस्त मानने वाले, मेरा सारा ग्रुप उनके साथ जुड़ गया है और मैं इसी मिशन में लगा हुआ हूं कि उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाऊं, और मैं उसके लिए कोशिश करता रहूंगा। आपके माध्यम से भी मैं चाहता हूं, अगर अपने परिवार में अपनों की, अपने दोस्तों की, मिलने वालों की और समाज की भलाई चाहते हो तो डॉक्टर B.R.C. को फॉलो करें, उनकी बातें सुनें, उनकी बातें बिना किसी पैसे को खर्च किए आपके लिए
लाभदायी हैं। अगर आपके लिए लाभदायी हैं, तो आपको उनसे जुड़ना चाहिए। बाबा रामदेव के बारे में लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे साधु हैं, सच्चे महात्मा हैं, सच्चे योगी हैं। वो जो कर रहे हैं वो आज तक दूसरा कोई नहीं कर पाया। इन दोनों महानुभावों के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। नमस्कार दोस्तों।